पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएसटी। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। 28 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने बुलाई अपनी कैबिनेट की बैठक। सरकार में खींचतान की चर्चा कर नीतीश कुमार ने 28 दिनों के बाद अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार की बैठक बुलाई गई है। सत्ता के गलियारे में सरकार के भीतर खींचतान की चर्चा आम है। सासाराम में पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने सरे बाजार दिया वारदात को अंजाम। पेट्रोल पंप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने लूट की कोशिश के दौरान वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल कायम है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। नीतीश के रंगीले विधायक ने लगाया ठुमका, डांसर के साथ नाचने वाला वीडियो वायरल। विधानसभा चुनाव के जदयू के रंगीले विधायक के तौर पर चर्चित श्याम बहादुर सिंह भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन उनकी कमी नीतीश कुमार की पार्टी को दूसरे विधायक पूरी कर रहे हैं। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गोपाल मंडल विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा ठुमके लगाने की वजह से हो रही है। लालू यादव को डायलिसिस पर ले जाने की संभावना, आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे जांच। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार नहीं है। लालू की किडनी फंगस ने पहले से खराब हो चुकी है, अब लालू को डायलिसिस पर ले जाने की संभावना जताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। रिम्स से आई खबर के मुताबिक लालू यादव की जांच नेपोफ्रोलॉजी डॉक्टर कर सकते हैं। पटना से गायब चावल व्यवसायी भाइयों का 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। एसएसपी बोले जल्द होंगे सकुशल बरामद। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के गायब व्यवसायी बंधुओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों चावल व्यवसायी के गुमशुदगी मामले पर बोलते हुए पटना एसएसपी ने कहा जल्द ही दोनों चावल व्यवसायी बंधुओं को सकुशल और रिकवर कर लिया जाए। के 2 DSP पर एक्शन, बिहार के 1 DSP के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरे DSP का 3 वेतन वृद्ध काटने का आदेश यथावत रखा गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है। धमधा के तत्कालीन अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार प्रभात, जो वर्तमान गया के वृद्ध व्यवस्था DSP हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर मिले 425 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,614। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार कोरोना के राज्य में 425 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना में मिली है, जहाँ कोरोना के 195 नए मरीज पाए गए। नालंदा के जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, गायब मिले डॉक्टर व कर्मी, साथ ले गए अटेंडेंस और रजिस्टर। स्वास्थ्य विभाग की लगातार शिकायतें मिलने के बाद आज नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह का काफिला सदर अस्पताल पहुंचा। जिलाधिकारी के आते ही कर्मियों और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक वे सदर अस्पताल में केवल रूम वार्ड और OPD इमरजेंसी ICU का निरीक्षण किए। इस मौके पर ओपीडी में तैनात डॉक्टर व कर्मी गायब मिले। बिहार में गोभी की हड़हड़ाती फसल पर किसान ने चलाया ट्रैक्टर, कम दाम मिलने से था नाराज। एक तरफ देश में कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के समस्तीपुर में एक किसान गोभी का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान इतना टूट गया कि वह हड़हड़ाती फसल पर ट्रैक्टर चलाते। राजधानी पटना के 7 रेस्टोरेंट पर गिरे गाज, कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे थे पालन। राजधानी पटना के 7 नामी गिरामी रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण पटना के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। सरकार की गाइडलाइन के बावजूद इन रेस्टोरेंट में काम करने वाले कुक और वेटर को भी कोरोना टेस्टिंग नहीं कराई गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1 हफ्ते पहले ही
इन रेस्टोरेंट में जांच के दौरान पुराना गाइडलाइन का पालन होता नहीं। इसके बाद इन होटलों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मियों की कोरोना जांच एक सप्ताह के अंदर कराने का आदेश दिया। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।